नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नचार न्यूज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, सीडीएस बिपिन रावत के हेलीकॉप्टर क्रेज के पीछे किसका हाथ है, यह सेना के एक बड़े अधिकारी ने विस्फोटक खुलासा किया है। जिस तरह से लोगों के मन में सवाल था कि हेलीकॉप्टर क्रेज कैसे हुआ, आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या थी, तमाम लोग इसको लेकर सवाल ढूंढ ही रहे थे कि तभी सेना के पूर्व बड़े अधिकारी ने बहुत बड़ा बयान दिया है। हम आपको बड़ी जानकारी देने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए ताकि अगला नया अपडेट आपको मिल सके। भारतीय आर्मी के रिटायर ब्रिगेडियर सुधीर सावंत ने यह दावा किया है कि विपिन रावत के हेलीकॉप्टर को निशाना बनाना LTTE की रणनीति का हिस्सा हो सकता है। LTTE बम प्लांट करने में एक्सपर्ट है। इसके अलावा ब्रिगेडियर का कहना है कि हेलीकॉप्टर क्रेश के पीछे तीन बड़ी वजह हो सकती है। पहली टेक्निकल प्रॉब्लम, दूसरी वजह पायलट एरर, और तीसरी सबसे बड़ी वजह है बम प्लांट करके ब्लास्ट करना। अगर ये दोनों प्रॉब्लम होती तो पायलट मदद मांगता और वो ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो जाता। अगर यह हादसा है तो इसकी जानकारी जल्द ही सामने आ जाएगी। अगर प्लान था तो पता चल जाएगा कि इसका मास्टरमाइंड कौन था। जिस इलाके में हेलीकॉप्टर क्रेश हुआ वहां पर LTTE अपने ग्रुप बनाकर रहती है। इसके अलावा इस हादसे में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस यानी ISI का भी हाथ हो सकता है, ऐसी जानकारी ब्रिगेडियर साहब दे रहे हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कमेंट लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दें ताकि इसी तरह की हर नई अपडेट आप तक पहुंच सके।